हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो ऑफ टाटा पंच। सी आई लव पंच, आई ऑलवेज से पंच जैसी गाड़ी नहीं है सीएनजी में। टाटा की सभी गाड़ियों में नेक्सॉन के बाद टियागो, एल्ट्रोस, टिगोर, इन सब के बाद पंच भी एक बहुत ही कामयाब गाड़ी है सीएनजी के अंदर। आई जस्ट शो यू द वर्कमैनशिप। कामयाब क्यों है? क्योंकि पंच में अगर हम केवल डब्बा लगाएंगे और सिलेंडर लगाएंगे तो नहीं होती कामयाब। पंच के अंदर जो फिटिंग है वो ऐसे देने होंगे, तब होती है कामयाब। पंच के अंदर जो हमने किट लगाया, ये तो ECM है आपका, मेड इन इटली, मोटोजेन BS6 टाटा में अप्रूव्ड है। और ये डायनेमिक एडवांसर है जो सारा कुछ जान ये है जो पावर देता है पंच को चलाने के लिए। बीइंग अ 3-सिलेंडर कार एंड अ वेरी हैवी बॉडी, पंच नीड्स अ एडवांसर लाइक यूरोप गैस 3D डायनेमिक एडवांसर। अगर गाड़ी चलानी है नॉर्मल एडवांसर में चलाएंगे वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसकी बॉडी हैवी है, इंजन इसका 3-सिलेंडर का है। और इसमें जो हमने वायरिंग किया, देखो वायरिंग का प्रेसिशन देखो आप, ये आपकी वायरिंग जो जा रहा है ये सारा एक स्पायरल ट्यूब में जा रहा है। देखो स्पायरल ट्यूब में वायरिंग क्यों देता हूँ मैं, नॉर्मल टेपिंग करूँगा वो 6 महीने 1 साल में उस टेप निकल जाएगा, लेकिन ये जैसे टाटा ने अपनी गाड़ी के अंदर जो वायरिंग दिया है सेम वैसे ही हमने वायरिंग दिया है। अब ये आराम से 15 साल चलेगा। ये इसका फिलिंग बाल्ब है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। ये रिड्यूसर है, पीछे से जो भी गैस हाई प्रेशर में आता है यहाँ रिड्यूस होकर जो इसको ECM से कमांड मिलता है उसी हिसाब से रिलीज़ होता है। यहाँ से गैस रिलीज़ होगा और ये फिल्टर है, यहाँ गैस फिल्टर होगा और फिर ये आगे आएगा। ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, ये इंजन का एयर मास फ्लो रेशियो लेके ECM को सिग्नल देगा, उसी हिसाब से ये गैस रिलीज़ होगा और एयर और गैस की प्रॉपर मिक्सिंग होगी, तब गैस आगे आएगा इंजेक्टर्स में, फिर यहाँ से गैस फाइनली इंजन में पंप होगा। ये है सारा खेल CNG किट का। अब इसके अंदर जो मैं और बेहतर करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कूलेंट कनेक्शन किया। अब कूलेंट कनेक्शन करने से क्या होता है कि एक तो जो टेम्परेचर सेंसर है, ये देखो यहाँ लगा है टेम्परेचर सेंसर, ये ब्रास का, और ये अगर हम कूलेंट कनेक्शन नहीं करेंगे तो ये टेम्परेचर सेंसर यहाँ नहीं लगेगा, इसको निकाल के हमें हीटर पाइप में लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लगाएंगे, दिस इज़ अ जुगाड़, दिस इज़ द सिस्टम। तो यहाँ लगाएंगे तभी लगा पाएंगे जब इसके अंदर हम कूलेंट कनेक्शन करेंगे। सो दिस इज़ द क्वालिटी। और यहाँ 10% एवरेज भी इम्प्रूव होगा ये। और एक काम और किया हूँ मैं, इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं है, यहाँ सारा कपलर टू कपलर वायरिंग किया है, ये सॉकेट टू सॉकेट। ये पुराने वाले सॉकेट गाड़ी का है, नए वाले सॉकेट हमारा है, ये तीनों इंजेक्टर्स में सॉकेट टू सॉकेट हुआ है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कार एनर्जी विच इज़ गिविंग फ्रॉम सेवरल ईयर्स, 1998 से 25 साल हो गए काम करते हुए, एंड एवरी डे वी आर लर्निंग, एवरी डे वी आर गिविंग आर बेस्ट टू ईच एंड एवरी कार। मज़ा आएगा इस भाई को भी गाड़ी चला के। एक बार स्विच का प्लेसमेंट दिखा, इसमें जो स्विच लगाया हमने राइट साइड में लगाया ताकि इनको आराम से दिख पाए, यहाँ इनको प्रॉपर दिखेगा सारा कुछ। अब मैं बूट दिखाता हूँ, सी बूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मेरे सारे कस्टमर कहते हैं भैया बूट दिखाओ, कितना स्पेस बचता है। देखो इसके अंदर मोर देन 50% स्पेस मिल रहा है, और इसके नीचे भी आप सामान रख सकते हो, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ साइड में, ये पूरा जगह मिला हुआ है। जो स्टैंड लगाया हमने मोल्डेड रबर ग्रिप पाइप स्टैंड, और ये रबर ग्रिप जो है जैसे कंपनी फिटेड में आता है वो लगाया हमने। जो नट बोल्ट लगाया हमने जो फैक्ट्री फिटेड में आता है, ये किलो के भाव नट बोल्ट नहीं है, किलो के भाव जो नट बोल्ट है वो एक बार फिक्स नहीं हो पाएगा, 2-4-6 महीने में लूज़ हो जाएगा, ये एक बार फिक्स हो गया पूरे लाइफ तक ये निकलेगा नहीं। और यहाँ डक्टिंग किया, कभी गैस एक्सेस आने से क्या होता है, यहाँ एक होल है सिलेंडर वाल पे, वहाँ से गैस निकलने लगता है, तो कभी भी ऐसा हो तो वो डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कार एनर्जी। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग आई गिव माई बेस्ट टू ईच एंड एवरी कार। और पंच के अंदर तो हमारा 100% सक्सेस रिजल्ट है।
मज़ा आएगा इस बाइक को भी। अब एक बार सेटिंग करते हैं और ट्रायल पे निकलते हैं, एंड बिलीव मी ही इज़ गोइंग टू एंजॉय इट। तो भाइयों, ये टाटा पंच है जिसके अंदर हमने सीएनजी किट लगाई, मोटोजेन BS6 टाटा, और इसके अंदर सब कुछ लगाया जो हम बाकी टाटा में पंच में लगाते हैं। मज़ा आ गया गाड़ी की फिटिंग और मज़ा आ गया गाड़ी चला के। एक बार भैया से पूछते हैं इनको मज़ा आया या नहीं, कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास, कोई पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और बिल्कुल पेट्रोल की तरह गाड़ी उठ रही है जी, बिल्कुल। कोई कह नहीं सकता अगर चाबी दे दो कि भाई ये चला, नहीं वो कोई स्टिकर से पहचान जाए तो पहचान जाए, अगर स्टिकर ना लगा हो तो कोई नहीं बता सकता। हाँ जी, हाँ जी। और देखो जैसे हम गाड़ी उठाते हैं, इतनी भीड़ है, हाँ जी, फर्स्ट गियर में गाड़ी उठा रहे हैं, बिना वाइब्रेशन का गाड़ी उठ रहा है, यही इसी से पता लग जाता है गाड़ी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल, मतलब कि कोई बता नहीं सकता जी, ये गाड़ी CNG पे चल रही है, ये गाड़ी मतलब कि बहुत बढ़िया। जो ये एक किट का तो नाम है ही यही है जी, साथ में ये भी बोलूँगा कि महेश जी का भी नाम है। नहीं, नहीं, सर। देखो सर, ये तो हमारा काम है और कोशिश है कि हर एक गाड़ी में अपनी जो सबसे बेस्ट है वो दे। जी जी, ये हमारी कोशिश है, बिल्कुल। बाकी आपने फिटिंग देखा, एक एक चीज। नहीं नहीं सर, आपके जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है आपका, गुड 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 स्टाफ है जी आपका, और जो बच्चे काम कर रहे हैं उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, बात करके बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो मज़ा आया सर, बाकी गाड़ी चलाओ। हाँ जी, मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल। बाकी हम बैठे हैं, बिल्कुल सर, जीवन जीवन भर का एक सर्विस हमारा फ्री है सर, हम तो आगे के लिए भी जुड़ गए ना आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, जो आगे जो हमारे रेफरेंस में और बंदे जो आते हैं, बिल्कुल, तो हम उनको तो यही सलाह देंगे कि भाई इनसे बेस्ट कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। तो दिस इज़ पंच, पंच में हमारा रिजल्ट जो है ना 100% है। एक बच्चों का रिजल्ट होता है ना 90, 95, 80, तो हमारा 100 है। जितने भी पंच लगाए हूँ सब के सब कामयाब है और ये वन है, मज़ा आएगा। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।